ये है नायल का लगेज। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं सारा सामान लेकर आई हूँ न्यू बॉर्न का, वो मैं इसके अंदर करके रख लूँ, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा जगह जो है ना वो शॉपर में रखे रखे डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं इस बैग में, नायल के बैग में करके रख देती हूँ सारी चीज़ें, तो उससे आसानी हो जाएगी कि फिर जिस टाइम ज़रूरत होगी इसी में से सारा सामान मामा ये निकल इसका ताला जाएगा। कैसे तो ये नायल खुलेगा? का ट्रैवलिंग लगेज है। अभी तक नायल ने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर। हम तो कर चुके हैं काफ़ी बार। तो अभी फ़िलहाल नायल का ये बैग जो है हम इन चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। कर ले नायल बैग यूज़। इसमें बेबी की चीज़ें रख दे, बेबी की चीज़ें रख दे इसके अंदर। हाँ तो वो तो फिर अभी तो फिलहाल हम रख देते हैं ना बेबी की चीज़ें, ठीक है। ये बन गया होगा, देखता हूँ। तो अब हम ये सामान निकालते हैं और जितना इसके अंदर आ सकता है रख देते हैं। नाई लटी है ये करके बंद कर देंगे। तो पहले ये चीज़ें रखती हूँ मैं। नाई अभी इसको छोड़ दो। वन मिनट नाइल, बैग नहीं आएगा ये शायद इसके अंदर। ये रख देता हूँ। रखें ये भी, ये जाएगा। वन मिनट, यहाँ तक तो आ गई। बाकी मुझे लगता है कि ये बैग तो खैर इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, जब ये डिस्प्ले में था तो इसके अंदर कोई बॉक्स वॉक्स है, तो निकालती हूँ। नाइल निकालेंगे बॉक्स इसके अंदर, ये निकाल के रखते हैं तो आई गेस आ जाएगा। उफ़ो, कैसे करके रखा हुआ है इन्होंने। ऐसे लगता है। हाँ निकालो, रुक जाओ। तो ये बॉक्स इसके अंदर निकाल दिया है, अभी इसको प्रेस करती हूँ। हाँ तो अब ये मुझे लगता है कि आ जाएगा, ट्राई करके देखते हैं। यस, ये भी आ गया। ये हम रख देंगे, हाँ ये इसके पॉकेट में रख दें। ओके अब क्या रह गया? इसके अंदर नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा नायल। फिर क्या यहाँ रुक दो। आप चीज़ें ख़राब नहीं करो, छोड़ दो उसको। नहीं ये इसमें नहीं आएगा, नहीं। दो मुझे। हाँ लाए दें, ये बॉक्स डाल दे। हम देखते हैं कि ये बंद होता है कि नहीं। हाँ बंद हो गया। वो भी तो है इसकी जिप बंद। आप पकड़ें ऐसे करके, हम इसकी जिप बंद करते हैं। ना इसका ताला तो खोल दे। हम लोग बाद में खोलेंगे, छोड़े। हाँ जी हो गया, बैग रेडी हो गया नायल का। ये नायल का बैग तो नहीं है, बेबी बैग है। चलो लाओ, मैं इसको रखूं। तो ये तैयार कर दिया हमने, अब हम इसको रख देंगे। क्योंकि मुझे हो रहा था, इसको मैंने जो हम शॉपिंग बैग में लाए थे उसी में मैंने रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये ऐसे ही रखे रख के मिट्टी विट्टी ना चली जाए सामान में, तो इट्स बेटर कि बैग के अंदर रखें, और बैग के अंदर सिक्योर भी रहेगा, और जब टाइम आएगा तो फिर हम तब उसके बाद चीज़ें निकाल लेंगे, और फिर जो चीज़ें बेबी बैग की हैं वो बेबी बैग में रख लेंगे, और फिर इस तरह चलेगा। और एक अपडेट ये कि जो नेस्ट आई थी 5 पीस वाला, जो मेरा सेट आया था बेबी सेट, पूरा कैरी नेस्ट और उसके अंदर उसका क्विल्ट वगैरह, वो अभी तक बच्चा पार्टी वालों ने उसका एक्सचेंज नहीं भिजवाया, जो कि मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि एक तो गलती भी ये लोग करते हैं, और फिर ऑनलाइन मंगाने का फ़ायदा क्या जब आपको वापस जाकर चेंज खुद ही कराना है। नायल नहीं करो। तो
अब मुझे जो हस्बैंड मेरे कह रहे हैं कि जो इन्होंने भेजा है वो मुझे पसंद आ रहा है, अब रख लो चेंज मत कराओ, पर मुझे कलरफुल चीज़ें पसंद हैं। तो जो मैंने मंगवाया था वो बड़ा कलरफुल सा था और बहुत वो यूनिसेक्स टाइप का कलर था कि बॉय और गर्ल दोनों के लिए काम आ सकता है, पर वो अब आया नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी कंप्लेन कर चुकी हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर चेंज कराऊँ नहीं कराऊँ। फिर वही वाली बात है कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस भी पे करते हैं, तो मेरा तो डबल नुकसान हो जाएगा कि मैं डिलीवरी चार्जेस ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, और फिर मैं जब जाऊँगी तो ऑब्वियसली आने जाने का खर्चा लगता है, पेट्रोल लगता है या CNG लगती है। तो खैर वो मैंने आप लोग को खोल के नहीं दिखाया था, तो अभी मैं खोल के दिखाती हूँ, फिर आप लोग को, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं वो रखूँ कि नहीं रखूँ। आपका कौन सा प्रिंट भाई हैं? अच्छा, तो ये है वो सेट जो मैंने आप लोगों को सिर्फ बाहर से दिखाया था, ऊपर से नहीं दिखाया था। इसके ऊपर ऐसे क्लाउड और स्टार बने हैं। नाल छोड़ दो, हाथ नहीं लगाना। मैं एक मिनट चुप। मैं इस कलर के ख़िलाफ़ इसलिए हूँ कि एक तो ये वाइट है और वाइट गंदा जल्दी हो जाता है, अगर इसके ऊपर ज़रा भी कोई कलर लग जाए या कुछ भी हो जाए तो ये इतना गंदा हो जाएगा कि वॉश होने के बाद भी फिर वो लुक नहीं आती। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ी कलरफुल चीज़ हो, तो आप ज़रा गंदा जल्दी नहीं होता, होता है पर ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं होता जितना कि वाइट कलर की चीज़ पे पता चलता है कि ये गंदा है। ठीक है, तो बड़े ही हमारे यहाँ तो ऑनलाइन जो काम है ना, बड़ी कंपनीज उतने ही ब्लंडर करती हैं बनिस्बत छोटी कंपनीज के। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ये इस तरह से है, ये इसकी नेस है, कैरी नेस, जो आप जिसमें बेबी को डाल के और आप कैरी करते हैं। ये जो है ये वो है, क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर बच्चे को लिटा भी सकते हैं और ये बच्चे को आप उड़ा भी सकते हैं। तो ये इसका पूरा ये इस तरह से है, यहाँ एप्लीक लगी हुई है। मुझे काम करने दो, मुझे दिखाने दो, नीचे वाला टू देख लो। अच्छा जी, ये भी देखता है। नाइल इतना तंग करता है ना, करने थोड़ी देता है, कुछ भी करने नहीं देता है। लाओ उधर रखो, लाए गिव इट टू मी। अच्छा, ये वाले साइड वाले पिलोज हैं इसके, ये दो पिलोज हैं, और ये रहा इसका जो सर वाला पिलो होता है, और ये अभी से ही मुझे इतना गंदा मैला मैला सॉर्ट ऑफ लग रहा है, मुझे नहीं। और ये इसकी नेस्ट है, ये देख, तो नाइल लीव इट। तो यहाँ पे इसकी इस तरह से रिबन बनी हुई है, और ये भी कलर खैर ऐसा कलर है कि ये दोनों जेंडर पे ही चल जाएगा, बॉय गर्ल पे। पर मुझे पर्सनली इसका अगर कलर चेंज होता, बेशक ये क्लाउड स्टार होते, पर इसका कलर इतना वाइट है कि मुझे कलर की वजह से जो है ना ये पसंद नहीं आया। खैर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पर पर्सनली तो मुझे नहीं दिल हो रहा इसको रखने का।